हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नो मोर हंगरी में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल मुंबई स्पेशल मसाला टोस्ट की रेसिपी। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। बनाएंगे मुंबई का फेमस स्ट्रीट स्टाइल मसाला टोस्ट, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चार मीडियम साइज़ के बॉयल पोटैटो ले लिया है, जिसको मैंने पहले से मैश कर लिया है। अब हम सबसे पहले मसाला टोस्ट के लिए आलू मसाला रेडी करें। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके पैन रख लिया है, जिसमें हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड यानी कि जीरा। अब इसके तुरंत बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड यानी कि राई 1/2 टेबल स्पून। यहाँ मैंने एक ग्रीन चिली लिया है और यहाँ पे गार्लिक लिया है 3 से 4 कलियाँ, जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। आप रस करके भी ऐड कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर भून लेने के बाद 2 सेकेंड के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बॉयल पोटैटो पहले से मैश करके रखा है, तो अच्छे से हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे मिक्स करते हुए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी 1/2 टेबल स्पून। हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग और खूब सारा कोरिएंडर लीफ यानी कि हरी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। लास्ट हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। ये देखिए आलू मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम मसाला टोस्ट के लिए चटनी प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ मिक्सिंग जार ले लिया है, जिसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन कोरिएंडर लीफ यानी कि धनिया की पत्ती। फिर यहाँ पे मैंने मिंट लीव लिया है यानी कि पुदीने की पत्ती। यहाँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ मैंने ली हैं, इसे भी हम ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की ग्रीन चिली, जितना तीखा आपको रखना है उस अकॉर्डिंग आप चिली यूज़ करें। और चटनी की बाइंडिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मैं क्रस्ट ड्राई कोकोनट यूज़ कर रही हूँ, नारियल का बूरा, लेमन जूस। लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक। अब हम इसे चटनी को ग्राइंड कर देंगे। ये देखिए चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल यही टेक्सचर चाहिए हमें। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। देखिए चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे साइड करेंगे। मसाला टोस्ट के लिए मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज़ के ब्रेड ले लिए हैं। अब हम इसे असेंबल करेंगे। यहाँ मैं 3 पीस रेडी करने वाली हूँ। अब हम मसाला टोस्ट को असेंबल कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिया है। अब ब्रेड पे हम क्या करेंगे, बटर लगाएंगे। तीनों स्लाइस पे ऐसे ही हम लगा लेंगे। ये देखिए सारे स्लाइस पे हमने बटर लगा लिया है अच्छे से। बटर लग जाने के बाद अब इस पे हम लगाएंगे ग्रीन चटनी जो हमने कोरिएंडर और मिंट से बनाया था। जितनी मात्रा में आपको खानी है वैसे आप लगाएं, साइड साइड स्प्रेड नहीं करना है हमें। ग्रीन चटनी लगाने के बाद हम इस पे ग्रेट करेंगे प्रोसेस चीज, देख सकते हैं आप बिल्कुल इस तरीके से। सारे स्लाइसेस पे हमें ऐसे ही कर लेना है। हम इस पे ऐड करेंगे जो हमने आलू मसाला बनाया था, उसे ऐसे हम हाथ में लेते जाएंगे, इसे एक एक ड्रॉप में लेमन साइज के बॉल में कन्वर्ट करके इसको हल्का सा प्रेस करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। और इसको सैंडविच के बीच में रखेंगे, साइड साइड हमें नहीं फैलाना है। आलू मसाला रखने के बाद हम इस पे ऐड करेंगे क्यूकुम्बर स्लाइस यानी कि खीरे की स्लाइस बिल्कुल इस तरीके से। क्यूकुम्बर स्लाइस ऐड करने के बाद इस पे जाएगा टमाटो स्लाइस। यहाँ पे मैंने हाइब्रिड वाला टमाटो यूज़ किया है, देसी वाला टमाटर हमें नहीं यूज़ करना है। अब इस पे जाएगा कैप्सिकम स्लाइस। और लास्ट हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट।
अब हम सैंडविच को कवर कर देंगे। दूसरे हिस्से पे भी हमने हल्का बटर लगाया है। ये देखिए सारा मसाला टोस्ट हमने असेंबल कर लिया है। मसाला टोस्ट को टोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे टोस्टर ले लिया है। अब हम इस पर हल्का सा बटर ग्रीस कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं ग्रीस करना है हमें, हल्का सा करना है ताकि साइड साइड से हमारा मसाला टोस्ट बिल्कुल क्रिस्पी हो। दोनों तरफ हम ऐसे ही सेम प्रोसेस से ग्रीस कर देंगे बटर को, जो हमने मसाला टोस्ट रेडी किया है इसे इसमें रखते जाएंगे। अगर आपका ब्रेड बड़ा है बाहर निकलता है तो आप साइड साइड से कट करके निकाल। मैंने इसे टोस्ट करने के लिए गैस को कर लिया है ऑन और लो फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए उलट पलट के टोस्ट कर लेंगे। इसे हाई फ्लेम पे नहीं करना है, ये अंदर तक हीट नहीं पहुंचता है, इसे लो फ्लेम पे ही हमें टोस्ट करना है। ये देखिए मसाला टोस्ट, एक बार हम चेक कर लेते हैं 2 से 3 मिनट इसे देख लिया हमें। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुका है। ऐसे ही करके हम सारा मसाला टोस्ट रेडी कर लेंगे। ये देखिए लास्ट मसाला टोस्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। एक बार ओपन करके मैं इसे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए परफेक्ट डन हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे ट्रांसफर कर लेंगे प्लेट में। ये देख सकते हैं मसाला टोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने 4 लोगों के लिए प्रिपेयर किया है 4 पीस। अब इसे ट्रांसफर कर लेंगे कटिंग बोर्ड पे। अब हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे, जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी उसे लगाएंगे। देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी बना है ये। तो ऐड करेंगे नायलॉन सेव बिल्कुल इस तरीके से, और लास्ट हम इस पर प्रोसेस चीज ग्रेट कर देंगे। फिर से एक बार इस पर हम नायलॉन सेव ऐड करेंगे। देख सकते हैं आप कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ये और कितना क्रिस्पी बना है। तो रेडी है हमारा मुंबई स्टाइल मसाला टोस्ट। एक मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए कटिंग कर दिया हमने, देख सकते हैं आप कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। दिखने में जितना टेस्टी है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नेक्स्ट रेसिपी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।